हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्यामला ताल की तरफ को और अभी हम लोग हैं खडीमा में। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनबसा और ये है बनबसा का जंगल का एरिया जहाँ पर है आर्मी कैंटीन। यहाँ से आर्मी कैंटीन की शुरुआत होती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बनबसा के आर्मी कैंट के इलाके में जहाँ पर आर्मी की पूरी चौकी है। अभी बनबसा की कैंटीन आएगी, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। देन वी विल गो टू टनकपुर, जहाँ से टनकपुर से हम लोगों को श्यामताल ज़्यादा नहीं, लगभग हमें पड़ेगा 15 किलोमीटर तक मैक्स इतना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो ये सामने आप लोग देख सकते हैं बनबसा की कैंटीन, ये सामने आ चुकी है, ये है ऑन ड्यूटी वालों की कैंटीन। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर मार्केट। ये है टनकपुर का मार्केट और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से आगे, टनकपुर से आगे। तो गाइस, अभी इन लोगों के बीच में बहस हो चुकी है कि श्यामताल है यहाँ से 20 या 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो 13 या 14। सो गाइस, ये है टनकपुर की लास्ट चौकी जो हम लोगों ने पार कर दी है और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं पहाड़ों में। ये है पहाड़ी पूरा क्षेत्र जहाँ पर हम लोगों ने एंटर कर दिया है और हम लोग पहुँचने के लिए जा रहे हैं श्यामताल की तरफ को। शेर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ शेर, भालू, चीता सब मिलते हैं इधर। तो मैं एंटर कर चुके हैं, हमारी पहाड़ों की यात्रा शुरू हुई है और उत्तराखंड परिवहन। कितने टूरिस्ट आए होंगे देखना अभी। हाँ अरे, एक से एक आते हैं यार। आप लोगों ने कहीं देखी हो ऐसी जगह, श्यामला ताल यार, बहुत ही रेयर लोग जानते होंगे इस जगह को। हेलो, थोड़ा मुझे भूलने की भी आदत है, मैं जगह के वहाँ 10 बार भी आ जाऊँ तो थोड़ा मेरे को अनजान भी होता है, ये मेरी दिक्कत है। तो प्लीज कृपया करके गाली मत देना। वैसे भी हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा ही और।
तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला हमें। देखो यार सेल्फी घूमनी भी है, झाड़ भात उबाल के खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पीछे था यार मैगी वाला। अच्छा भाई ना, गांधी जी ने दिया संदेश, स्वच्छ रखो अपना देश। अंकल यार एक मिनट रुक जाए, इन दो में श्यामला ताल लिखा तो है, पता नहीं कहाँ का है। ये 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये दीपू हमारे हैवी ड्राइवर, इन्होंने हमने पहुंचा दिया यहाँ तक, बहुत दूर से आए। इन्होंने मुझे 10,000 बोल के 2,000 में पटाए हैं, इनकी सच्चाई ये भी है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं श्यामला ताल। तरी है, तरी है, तरी है। खाली करो, खाली करो, सब अपना बारूद असला ले लो। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं श्यामला ताल। You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest. Oh. तो कैसा लग रहा है आपको इधर पे पहुंच के? बहुत ही अच्छा। और आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बोला क्या जाए। यह है हमारा श्यामला ताल। शायद ही कोई आए हो तुम में से, हम तो पहली बार ही आए। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं श्यामला ताल। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में। सुना है हमने कि इसके नीचे से पानी निकलता है, कंफर्म अभी पता नहीं है लेकिन निकलता है शायद, क्योंकि बारिश का पानी नहीं है, ये धरती के नीचे से पानी निकलता है। तो कितना निकल सकता है आप सोच सकते हैं। ये भर जाएगा दोबारा पानी, नेचुरल वाटर जो जमीन के नीचे से निकल रहा है पहाड़ी के टॉप पे। देखो पहाड़ी टॉप पे है बिल्कुल हम लोग अभी, और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल एकांत में ये जगह। मजाक बात नहीं, यूट्यूब में भी देखा, गूगल में भी तुम देखा है इधर यार। चलो एक बार चला दे। अरे गेट खुला, गेट बंद है। आप गुरुजी कैंपिंग हो रही है, कैंपिंग हो रखी है इधर। और हम जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस के अंदर। ये यहाँ से जगह है, ये तो देखो अंदर, देखो इस वजह से अंदर बंद कर रखा है। हाँ देखो तार लगा रखे हैं, कहाँ है तार? अच्छा ये तार लगा रखे, देखो ये बहुत गंदी तरीके से बंद कर रखा है यार। हम जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते, इसमें हर एक कमरा रहस्यमय होगा। और हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस के अंदर, और यहाँ से चढ़ने का रास्ता है। हम पीछे से जा रहे हैं, आगे से जाने की हिम्मत नहीं हो रही, तार बाल लगे पड़े हुए हैं। और हमारे साथ है बिपू। सुनिए मेरी बात, यहाँ फिलहाल ना चार बार लगा के फिर भी हम जाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, पर आप लोगों के लिए बस ना। हाँ हम लोग रेस्क ले रहे हैं। तार लगे पड़े यार किसी की, तार लगे पड़े हुए हर जगह। चलिए तो जाएंगे एक बार, आप मेरा कैमरा पकड़ लिए बस। ओके ओके चलिए। और देखिए वो भारी भरकम इंसान, थोड़ा हल्के से हाथ देना मेरे को, मतलब हाथ पकड़ना। तार लगे ना बस, और देखिए हम लोग तार वार लगे पड़े हुए हैं। और ये भैया हमारे सारे, आराम से आना, माधो फिर उसको पकड़ा दो। और हमारे सर, सर इधर हर कमरे में ताले क्यों लगे पड़े हैं? तार वाले कमरे में ताले लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा रिस्क में जगह। अरे अंकल जल्दी आ यार, प्रवीण भाई, एक मिनट, प्रवीण भाई आ रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शांत, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, शांत शांत, बिल्कुल शांत। प्रवीण कोशिश कर रहे हैं आने की, हॉन्टेड प्लेस वो जहाँ कोई नहीं आना चाहता, हम लोग वहाँ चुके हैं। सीढ़िया ये देखिए, अंग्रेजों के दौर से घुस के जाएंगे। और ये देखिए जा रहे हैं हमारे साथी, अंदर घुस चुके हैं, बहुत मुश्किलों से घुस रहे हैं। हम तो पतले इंसान हैं, हम घुस जाते हैं, घुस जाते हैं। और ये पीछे से भी रास्ता है, अंदर कोई सोया नहीं है,
ये बाथरूम हमारा बाथरूम ये बाथरूम है ये देखिए यहाँ की हालत ऐसी हो चुकी है पूरी तरीके से शीशे बिखरे पड़े हुए हैं एक बार इसे पकड़ो और ये रूम अरे दीपू को आने दो यार दीपू कहाँ गया दीपू और ये हम लोग दोबारा जाते हैं जे तीन मिनट में जा रहे हो भागो यहाँ से और हमारे साथ जा चुके हैं कहीं और दीपू आ रहे हैं इस गेट से देखिए कौन सा कितना पतला रास्ता है देखिए बोतल ही बोतल पड़े हुए हैं हर जगह मैकडॉनल्ड्स और देखिए क्रॉस का साइन भी लगा हुआ है हर हर महादेव भी लिखा पड़ा हुआ है और बहुत ही गंदा रास्ता दुर्गम रास्ता नजारे तो यहाँ से यहाँ से ही लगी हुई है देखिए यहाँ वैसे कहते हैं कि पहले अंग्रेज लोग रहते थे कहते थे यार इधर हाँ रहते थे ये अंग्रेजों का ही वो है बिल्डिंग है शीशे वगैरह लगा रहे हैं रूम नंबर 507 ताल से हमला था और ये हमला था ये आसी घर जगह अपनी साइन पे छोड़ ही जाते हैं यार भाई किसी को ऐसे होगी नशा में एक मिनट ना क्या नाम है ये कंचन कहीं भी देख रही है ना ये देख लेते हैं अगर कोई कंचन नाम की कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो प्रकाश नाम के जैसे जरूर संपर्क करें ये 8th क्लास में पढ़ती है शायद तभी 8 लिखा हुआ है इनका बहुत पुराना अफेयर लग रहा है हमें और हमारे साथ हम लोग जा रहे हैं युवराज भाई और युवराज बहुत तेजी के साथ जाते हुए भागो यहाँ से कोई आ रहा है इसका मतलब यहाँ पहले अंग्रेजी रहते हैं अंदर की टाइलिंग देखिए परफेक्ट टाइलिंग अंदर दिखो भी ये देखो किसी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइलिंग कर रखी है मतलब यहाँ पर पुराने जमाने में अच्छे साखा अच्छे खासे लोग रहते थे मतलब जो अंग्रेजी दिखाते थे सर ये करेंगे ना एक कमरा वॉशरूम भी बिल्कुल क्या करता है किसी ने कोई हाथ पकड़ेगा हाथ मत रहती है और ये हमारे साथ हमारे भाई लोग जो हमारा सहारा बने हुए हैं हो सकती है यार गुरुजी कमरे में बढ़िया है कमरा बढ़िया बढ़िया वाला एक एक सेकंड ना एक बार एक खोलो तो यार ये लॉक खोलो ओए लॉक नहीं खुलेगा ओए भाई साहब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ को और ये हमारा रूम और ये हमारे ये लॉक देखिए ये चाबी वाले लॉक बाथरूम देखिए किस तरीके से बाथरूम है और ये जो आपने मूवीज देखी होंगी पुराने टाइप की ये देखिए श्यामला ताल यहाँ से पूरा क्लियर दिखता है ये बंद है और ये देखिए श्यामला ताल का पूरा व्यू और हमारे साथ वाले बता रहे हैं कैसे किस तरीके से हमें अगली बार करना है कुछ और ये परफेक्ट व्यू और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मैं साथ वाले आगे जा चुके हैं मैं साथ पीछे जा रहा हूँ ये तो हमने देखा ही ओ माय गॉड और यहाँ कुंडी खोलते हुए खुल नहीं रही है अटक गया है छोड़ दे और हम लोग घुस चुके हैं श्यामला ताल के इस महल में जो कि बनाया है हमारे अंग्रेजों द्वारा हमारे फॉरनर्स जो यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ बना रखा है बहुत अच्छे से बना रखा है ये देखिए ये इनका बाथरूम जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं हम लोग और ये रूम देख सकते हैं शीशे लगे हुए थे शीशे तोड़ दिए हैं कुछ इस तरीके से है यहाँ का सीन आप देख सकते हैं और हम लोगों के पास अभी यहाँ पर दिखाने के बहुत कुछ है लेकिन अभी दिखाएंगे आपको तो बनी रही वीडियो के साथ ये हमारे साथ नीचे हमारे साथी नीचे खड़े हैं और ये देखिए ये रास्ता श्यामला ताल से बाहर को निकलता हुआ और ये अदर रूम्स जो अंग्रेजों ने बना रखे हैं ये देखिए बहुत अच्छे से बनाए थे ये देखिए यहाँ जो बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को ये सब बनाई है अंग्रेजों के द्वारा
और रोड भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है ये सब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। ये है हमारे पास श्यामला ताल जो साइड से दिख रहा होगा आपको। अभी मैं दिखाऊंगा आपको पूरी तरीके से श्यामला ताल का व्यू और अभी चलते हैं किस तरीके से श्यामला ताल है वो तो आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ वाले जा रहे हैं छत की तरफ, तो हम लोग भी जा रहे हैं छत में। ये है रास्ता, धूप आ चुकी है, अभी तक बारिश हो रही थी और अब आ चुकी है धूप। और ये देखिए रास्ता बिल्कुल बंद है, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये रास्ता बंद है, लेकिन हम रिस्क लेके हम लोग यहाँ रखे। और ये देखिए और इस तरीके से आप फिनिशिंग कर रखी है पूरा वुडन ब्लॉक्स के साथ। देखिए लकड़ियाँ लगा रखी बिल्कुल हर जगह पे, तो बहुत कुछ बनाए हैं अंग्रेजों ने हमारे लिए। और इस साइड को है हमारा रूम जो थर्ड फ्लोर पे है, और सामने आपको दिख रही होगी गुफा, वो देखिए गुफा साइड आपको दिख रही होगी। तो वहाँ से रास्ता जाता है दूसरी तरफ को, और ऊपर साइड को है हॉन्टेड प्लेस, लेकिन आज हम लोग शायद जा नहीं पाएंगे। ये हमारा रास्ता जो आगे जाके किसी गांव में मिलता है, और ये है वो रूम। और ये हमारे युवराज भाई और रॉबिन भाई और प्रवीण, और ये है दीपू। इस तरीके से है व्यू, ये देखिए हर जगह देखिए लकड़ी की फिनिशिंग दे रखी है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिन्होंने इस तरीके से बनाया है, लेकिन जो अंग्रेज यहाँ घूमने आए थे उन्होंने देखिए हर जगह लकड़ी की फिनिशिंग दे रखी है। फिनिशिंग देखिए हर जगह लकड़ी की है, हर जगह लकड़ी की मिलेगी ये। लेकिन लगभग अभी से 40 या 50 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, ये देखिए कहीं कहीं पे निकल चुकी है, इस तरीके से निकल चुकी है। ये कील दिख रहे होंगे आप लोगों को कील, और ये लकड़ी निकल रही है यहाँ पर पड़ी हुई है सारी लकड़ी, तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दे रखी है लकड़ियों की। और ये लोग जाने लग गए अब, इस साइड को भी रूम्स ही रूम्स है। ये वैसे पर्सनल अंग्रेजों का पर्सनल रूम है जहाँ पर ये लोग रहते थे पहले, इस तरीके से यहाँ पर पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के मतलब जो अंग्रेज थे वो यहाँ रहते थे इस तरीके से। और देखिए आप फिनिशिंग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, और ये ऊपर की फिनिशिंग तो काफ़ी बेहतर। ये है हमारा श्यामला ताल कुछ इस तरीके से, काफ़ी बेहतरीन व्यू के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ श्यामला ताल में। और माना जाता है कि यहाँ जो पानी आता है वो ज़मीन के नीचे से आता है, क्योंकि बारिश का इसमें कोई पानी नहीं है, सब कुछ जो पानी है वो ज़मीन के नीचे से आता है। और ये देखिए आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी हाइट पे हैं। ये देखिए बादल जस्ट हमारे जस्ट ऊपर पे, और काफ़ी बेहतरीन सीन। और ये हमारे साथ ही जो यहाँ पर खड़े हैं वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन पब्लिक आ रखी है यहाँ पे देखने के लिए। और आप लोग यहाँ पे आके कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्पेस बहुत है। कैंपिंग करिए, रात को आइए, स्टे करिए, यू आर वेलकम हियर। और पब्लिक होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, सीन बहुत प्यारा नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल, ये किसी ने बनाया नहीं है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आके जिन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पे स्टे किया था, और अपना यज्ञ मतलब जो भी हवन था या जो भी सामग्री थी वो पूरी की थी यहाँ पे। इस तरीके से ये सेटिंग कर रहे हैं हमारी कैमरे की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कैमरे की सेटिंग करते हैं। और ये इस तरीके से हमारी हवेली, और ये हमारी दीपू यूवी। इतना
और ये है हमारा श्यामला ताल का व्यू कुछ इस तरीके से, और हमारे साथ है रॉबिन और ये है प्रवीण। और बहुत बढ़िया सीन है यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन व्यू के साथ हम लोग श्यामला ताल में पहुँच गए। देखिए धूप जस्ट ऊपर पे हमारे, और कुछ लोग जा रहे हैं घर की तरफ। कहाँ जा रहे हैं ओला? और पब्लिक थोड़ा सा कम हो चुकी है अभी, और व्यू देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और देखिए ऊपर पे पूरा मतलब जो घर दिख रहा है वो भी अंग्रेजों का घर है, और ये जो पहाड़ है ये भी शायद अंग्रेजों ने ही कब्जा रखा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये लोग हम लोग मतलब ये जो अंग्रेज है इस चीज़ को कब्जाएँ। हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है कि फ्री उत्तराखंड फ्रॉम द फॉरनर्स। ये है हमारा सीन आज का, और धूप आ चुकी है खिलखिलाती हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दिस इज ऑल श्यामला ताल, कुछ इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं हमारी, और ये लोग सब डांस कर रहे हैं। मतलब युवराज हल्के ये दिस इज UK06 व्लॉग्स। कालो कवारे लेमा, ये अलग डांस कर रहे हैं हम लोगों से दूर। आइए हमारे साथ आइए, और हम लोग कर रहे हैं डांस विद आवर ग्रुप। अभी एक शायरी हो जाए ना, खाते ना हैं खाते हैं ना पीते हैं, बस हम जिंदगी जीते हैं। और कुछ बस ये सभी यूथ के लिए बाबा, इंजॉय जरूरी है। पर देखिए सीन, देखिए पीछे का सीन कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बेहतरीन। और ये प्रवीण फुल मस्ती के साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और ये है, अब धूप आ चुकी है हमारे श्यामला ताल में, हम लोग यहाँ है श्यामला ताल के अंदर। और ये हमारे साथ हमारे साथी प्रवीण, युवराज, रॉबिन और दैट इज दीपू। और ये देखिए सीन, वो देखिए पहाड़, और इस तरीके से है हमारा श्यामला ताल जो बेहतरीन व्यू के साथ दिख रहा है आप लोगों को। और आप देख सकते हैं अभी तक जो बादल लगे हुए थे अभी तक पूरी तरीके से छट चुके हैं। अभी यहाँ आज की धूप, और हम लोग हैं श्यामला ताल के जस्ट आगे पे, और ये है हमारी हवेली। और जब हम लोग आपको पीछे आगे से दिखाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगा व्यू हवेली का। और अब देखिए हमारा श्यामला ताल किस तरीके से दिखता है, जो उत्तराखंड की वादियों में है इस तरीके से दिखता है, देखिए। और अभी हम लोग हैं हवेली के जस्ट ऊपर पे, ये है हवेली, इसके जस्ट नीचे पे ये भी हवेली है, और ये है व्यू, देखिए किस तरीके से है हमारा व्यू। और ये है हवेली, इस कुछ इस प्रकार से दिखती है हमारी श्यामला ताल की हवेली। तो जो भी भाई लोग आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री एंट्री के साथ है। और ये है हमारा श्यामला ताल, और देख सकते हैं बिल्कुल धूप अभी जस्ट आ ही रखी है। अभी तक जब आपने वीडियो देखी होगी तो उस समय वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बादल थे अभी तक पूरी तरीके से घिरे हुए थे, हम लोगों ने आग जला रखी थी। और अभी हम लोग बिल्कुल धूप में हैं, जिस वजह से अभी थोड़ा सा हल्की फुल्की गर्मी हो चुकी है शुरू। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, देन नीचे का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। लेट्स गो, जस्ट वेट एंड वॉच। और अभी हम लोग जा रहे हैं हवेली के नीचे, और ये देखिए हमारे साथ वाले जा चुके हैं, वो जा रहे हैं, और ये एक पीछे से आ रहा है गाने लगाते हुए, ये है युवराज। और ये देखिए गेट है जो बंद है, पूरी तरीके से तार वार लगा के बंद कर रखा है इसको। और हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते, जो शायद ही किसी को पता होगा रास्ता। राम सूत्र, और ये निकल रहे हैं प्रवीण भाई हमारे कुछ इस तरीके से, जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है निकलने में, मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे अब दीपू भाई निकलेंगे यहाँ से, ये देखिए। ओह भाई साहब बड़ी दिक्कत हो रही है, और हम लोग निकल चुके हैं। ये है हमारा श्यामला ताल का व्यू कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग ऊपर नहीं है, अभी तक हम लोग थे इसके जस्ट ऊपर पे। ये है हमारी हवेली जिसके ऊपर हम लोग अभी चढ़े थे पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि आगे से रास्ता जो है वो बंद है, क्योंकि वहाँ पर लगा रखे तार। चलो
और अभी हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे पे और अभी हम लोग करेंगे फोटो शूट। और ये है हवेली और दिस इज श्यामला ताल। हम लोग जस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखिए। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए हवेली, इसको छोड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं। जो अभी हम लोग थे जस्ट ऊपर पे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भी गए, तीसरे फ्लोर पे भी गए, छत पे, वहाँ से फ़ोटो खिंचवाई थी। और अब लोग हम लोग जा रहे हैं उस पार, श्यामला ताल के उस पार को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो व्यू मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, जो यहाँ से व्यू मिला उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा वहाँ से। इसलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से इस वाले रास्ते, जो कि हम लोग पैदल पैदल तय करेंगे। हमारे साथ जा रहे हैं आगे योगी, दीपू, रॉबिन एंड प्रवीण, श्यामला ताल के जस्ट ऊपर। और ये नैनीताल से तो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है यार नैनीताल से। तालों में ताल से अब दिख रही ना टूटी चमकती है। ओ भाई साहब देखिए, ये है हमारा श्यामला ताल का व्यू कुछ इस तरीके से, जो कि अभी तक बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ था, बारिश आ रही थी और अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, बिल्कुल बारिश गायब हो चुकी है, बादल पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और पूरी तरीके से श्यामला ताल में अभी धूप से खिल चुका है श्यामला ताल। और ये देखिए हमारे रॉबिन भाई यहाँ से फरकी गए नीचे। ओ ये ओ भाई, और हमारे जो कारीगर है वो सारे गिर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अबे इन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग में शायद ये लोग अच्छे से अव्वल दर्जे से पास नहीं हो पाए, इस वजह से गिर गए। ये देखिए जस्ट श्यामला ताल के जस्ट ऊपर पे, ये जस्ट हमारे पास है श्यामला ताल का पानी। रास्ता भटक चुके हैं, माय गॉड रास्ता बहुत टफ है। देखिए रास्ता कितने बहुत ही ज्यादा कितनी गहराई खतरनाक तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आराम से दीपू पास करेंगे कोई यहाँ पर से, सबसे निवेदन है कि कोई श्यामला ताल के अंदर ना गिरे, क्योंकि अगर गिरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। इस वजह से हम लोग बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ चल रहे हैं। कोई रेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी रेलिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर तक रेलिंग का वो बना रखा है लेकिन रेलिंग है नहीं यहाँ पर, जस्ट रेलिंग है वहाँ पर, उससे बस उससे थोड़ा आगे पे बिल्कुल भी रेलिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी रेलिंग गायब हो चुकी है और हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। ये दीपू भाई हमारे जो जिन्होंने रास्ता भटकाने हमारी पूर्ण सहायता की है, यहाँ से मोटर मार्ग ऊपर से। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल झाड़ियों के बीचों बीच रास्ता ढूंढते हुए। ये रास्ता जाएगा सीधा रोड की तरफ को, जहाँ से हम लोग जाएंगे श्यामला ताल के दूसरे कोने पे। और पीछे से आ रहे हमारे प्रवीण भाई, जो धीरे धीरे कदमों के साथ आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे युवराज भाई जो हमें आगे भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रास्ता है यार यहाँ पे, देखो खटके बना रखे हैं यहाँ पे। दिस इज ऑल एडवेंचर भाई, किक मिलनी चाहिए, किक मिलनी चाहिए। अभी हम लोग श्यामला ताल के जस्ट दूसरी साइड की तरफ को है, ताल नीचे साइड को है, जहाँ से अभी हम लोगों ने कवर किया था, खतरों से बहुत खेलते हुए आ रहे हैं। और ये गाइस हमारे सो साथ वाले, उनको लग चुकी है भूख, ढूंढ रहे हैं थोड़ा रिलैक्स मुस्कुराहट। और ये हमारे श्यामला ताल का जो हॉन्टेड हाउस बोलते हैं जिसे, वो यहीं पे है सामने जस्ट। तो भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं श्यामला ताल से, मतलब अभी हम लोग श्यामला ताल के जस्ट कोने पे हैं, ये श्यामला ताल। और अभी हम लोगों को मिल चुके हैं नाव, जिसमें बोटिंग करेंगे हमारे युवराज दाई, साथ ही साथ करेंगे हमारे दीपू भाई, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग जा रहे हैं गेट की तरफ को, श्यामला ताल की गेट की तरफ को। और जो हमारे दो साथी थे वो लोग निकल चुके हैं। और ये हमारा रास्ता जो हम लोगों ने खुद भी ना खोजा है, यहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ा सा दलदली मिट्टी है, क्योंकि श्यामला ताल का पूरा पानी यहीं पे बसा हुआ है,
थोड़ा पानी यहीं पे समा रखा है। हम लोग जस्ट श्यामला ताल के जस्ट बगल में है, देख सकते हैं आप लोग। और पास जाऊंगा तो श्यामला ताल के अंदर गिर जाऊंगा दर्द। हम लोग जाना नहीं चाहते यहाँ पर। जो लोग भाई लोग कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं, संपर्क करें। तो भाई लोग जो भी कैंपिंग करना चाहते हैं, रात को स्टे करना चाहते हैं, तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को यहाँ के बुकिंग करनी है। और रास्ता आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके हम लोगों से इस जगह की जानकारी ले सकते हैं। जो भाई साहब जो फील है यहाँ का आने का, दैट इज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बेहतरीन। विवेकानंद जी यहाँ पर अपना योग अभ्यास करते थे, शिक्षा दीक्षा वगैरह लेते थे यहाँ पे। ये वही श्यामला ताल है जहाँ पर विवेकानंद अपनी शिक्षा दीक्षा लेते थे। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं श्यामला ताल के उस जगह पे जहाँ पर से गेट शुरू होता है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब वापस घर की तरफ को। टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। ये है श्यामला ताल का व्यू। अब शायद अभी हम लोग आएंगे अगले महीने, तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और जो खूबसूरती है वो अलग ही लेवल की थी यहाँ पे, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब लोग श्यामला ताल से वापस घर की तरफ को। देख सकते हैं पीछे श्यामला ताल, और ये है यहाँ का पार्किंग स्पॉट। ये पूरा गाड़ी खड़ी है आगे, मेरे साथ वाले सामने खड़े। हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। बादल आ चुके हैं, शायद शाम तक बारिश हो जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बारिश होने के सारे आसार लग रहे हैं हम लोगों को। बेहतरीन। मैं तो कहता चंपावत के घर चल रहे, पर अभी कोई नहीं, अब चल रहे घर को। हम लोग वैसे जाने वाले थे चंपावत के घर की तरफ को, इसके घर की तरफ को, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश होने की पूरी संभावना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं श्यामला ताल से वापस घर की तरफ को। बेहतरीन मौसम जो देखिए, यह है आश्रम का रास्ता जो हम लोग जाएंगे अगले बार, अभी तो नहीं जा सकते। छोड़ने आए बाय, ये वही है क्या? सीन देखिए भाई साहब, awesome bro।